से जोड़ने का नाम है शिव योग। सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है शिव योग। लोक परलोक के गहनतम रहस्यों को जानने का माध्यम है शिव योग। शिव योग की संजीवनी शक्ति से कटते हैं जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, जो हमारे सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण है। By practicing Shiva Yoga Dhyana, you burn those karmic layers before they harm you. And as you burn, your life is changed completely. समस्त संसार सुखी और निरोगी हो, यही तो है अवधूत बाबा शिवानंद जी का जीवन लक्ष्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान बाबा शिवानंद जी के साथ। एक चीज सीखो, पहले मुस्कुराना जरूर सीखो। हमारे भारत में हमारे को इतना ज्ञान है भरा हुआ कि सब रामायण गीता शास्त्र सब सिखा देते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें वो भूल जाते हैं, और वो पहली चीज है नमस्कार करना, पहली चीज है मुस्कुराना। हम मुस्कुराते ही नहीं। एक चीज मैंने देखी और जगहों पे मैं गया, और जगहों पे और संस्कृतियों में उनके पास बहुत कुछ है नहीं सिखाने के लिए, तो उन्होंने बेसिक चीजें सिखा दी। वहां जहां भी जाओ वो नमस्कार करता है, जानता भी नहीं तो भी नमस्कार करता है। यहां जो नहीं जानता उसको तो नमस्कार करना ही नहीं, और जो जानता भी है उसमें से भी आधों को करना, आधे को जरा ऐसे करके निकल जाना। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। पहली चीज तो स्माइल करना सीखो। जितने शिव योगी है जो भी सामने आए, नमः शिवाय तो बोल ही डालो। क्या ये नमः शिवाय क्यों कहता हूं मैं, हेलो क्यों नहीं कहता, हाय हेलो? क्योंकि एक बार लिया हुआ भगवान का नाम पता नहीं कब काम आ जाए, तो मैं मौका ही क्यों छोड़ूं। टेलीफोन आए, टेलीफोन भी इतने आते हैं, तो टेलीफोन आए तो भी नमः शिवाय। एक नाम तो हो गया, एक पुण्य तो मेरे खाते में जमा हो ही गया। अब जो कोई सामने मिला, नमः शिवाय, एक और पुण्य मेरे खाते में मिल गया। तो 25 जगहों पे मैं काम की या फजूल की कुछ भी मिलना जुलना करूं, कम से कम एक तो काम की चीज हो ही जाए, वो नमः शिवाय। तो इसलिए नमः शिवाय अवश्य करो। मुस्कुराना सीखो। सबसे पहले क्या चीज सीखो? हाँ, देखो जरा सबके चेहरे मुस्कुरा रहे कि नहीं, ये बड़ा जरूरी है। ये तुम्हारा अंदर से खोलती है बंद ग्रंथियों को। आध्यात्मिक लोग सोचते हैं जो आध्यात्मिक होता है वो ज्यादा सड़ा हुआ चेहरा बनाएगा, वो ज्यादा परम योगी दिखाई देगा, ऐसे खड़ा हो जाओ महाराज जी, ये गलत है। अध्यात्म में अगर ऊपर, अध्यात्म क्या है? परम शांति, सच्चित आनंद, और आनंद ऐसे सड़ा हुआ चेहरा बना के आनंद नहीं अनुभव किया जाता। आनंद तो आनंद है, एकदम चेहरे के ऊपर वो रस ही रस उभरा हो। तो उसकी पहली सीढ़ी है मुस्कुराना। अब जैसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं बाहर होते हैं, खूब नमस्कार मुस्कुरा रहे एकदम ऐसे ऐसे, और जैसे ही अंदर घर में प्रवेश किया, अरे यहाँ तुम कौन सा 30 मारोगे, 30 मार खा बनोगे, घर के अंदर एकदम अकड़ गए सब। हाँ भाई क्या, और वो सारे घर वाले बच्चे भी सहम गए, वो सब सहम गए, क्या हो गए, पापा जी आ गए। और फिर तारीफ भी होती है, हमारे पापा जी बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। ये खा के डिसिप्लिन, डराने के अंदर थोड़ी डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन तो ये है कि तुम सूरज की तरह आओ और तुम्हारे घर के लोग सूरजमुखी की तरह खिल जाएं तुम्हारी तरफ। तो ये है, ये जीवन के सिद्धांत हैं, इसलिए इनको अपनाओ। अगर कहीं कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें अनंत का ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन नीचे का भी ज्ञान साथ ही दे दूं।
क्योंकि ये ना रह जाए। शिव योगी जो है हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा सहायता करता हुआ, ये बड़ा जरूरी है। तुम सारा दिन मेहनत क्यों कर रहे हो? अपने से प्रश्न पूछो, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्यों मैं अपने आप को थकाए दे रहा हूं? इसलिए उत्तर आएगा अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए। अब पकड़े गए, खुशी के लिए। तो खुशी देते हो जब घर जाते हो, ये बताओ मुझे। मैं काम तो करता हूं, कि काम किस लिए करते हो? खुशी के लिए। अब खुशी देते हो, अब फंस गया। हाँ ये तो नहीं देता मैं तो, अब खुश हो ही जाए जब इतना दे दिया मैंने तो। वो देने से नहीं होता, तुम्हारे होने से होता है। तुम याद रखो, तू प्यार का सागर है, तू प्यार, तेरी एक बूंद के प्यार। तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं, अभी पहले मैं कह रहा हूं तू प्यार का सागर है, फिर तुम्हारे घर के सब लोग कह रहे हैं, तेरी एक बूंद के प्यास हम। और फिर तुमने घुड़का दिया तो वो कहते हैं, लौटा जो दिया तूने चले जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यू आर द ओशन ऑफ लव, तुम समुद्र हो। जैसे सूर्य रोशनी और तेजोमय है, तेजस्वी है, उसी तरीके से तुम प्रेममय हो। परमात्मा का जो मूल अस्तित्व है वो अनंत प्रेममय है। मैंने उस अनंत की डायमेंशन में प्रवेश करके जो अनुभव किया, वो जो सच्चित आनंद का अनुभव था, वो एक अनकंडीशनल लव की अनुभूति थी। और उसी परमात्मा से हम बने। हमारा जो मूल अस्तित्व है भीतर, वही परमात्मा है। और मैंने कहा कि जो भीतर है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। और जो व्यक्ति अपने जो भीतर द इमोर्टल वन, अगर वो उससे जुड़ जाता है तो उसका भी बुढ़ापा रुक जाता है। अगर अपने आप को बिल्कुल जवान रखना है तो उस अनंत के साथ जुड़े रहो, बाहर के जो दुख वाला जो जीव है उसके साथ नहीं। जो अंदर जो शाश्वत है, जो सच्चित आनंद है, जो कभी ना नष्ट होने वाला है, वो उसके साथ हमेशा जुड़े रहो। तो अमृत का जो झरना बहता है अंदर, उसका हमेशा तुम पान करते रहोगे और कोई भी दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। तो सुबह उठते के साथ ही बिस्तर छोड़ देना, शैया त्याग के पहला काम धन्यवाद वंदन, माता पिता वंदन, गुरु वंदन, इष्ट वंदन, पृथ्वी वंदन। उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होके योगासन और सूक्ष्म क्रियाएं, उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने आसन पर बैठ करके प्राण क्रियाएं, और उसके पश्चात अद्वैत श्री विद्या साधना करनी है। ये तुम्हारा देवकर्म हो गया। सुबह का समय देवकर्म, एकदम मन खिल जाएगा। और तुमने उसी ध्यान में भगवान से वरदान भी मांग लेना कि आज मैं ये काम करने वाला हूं, मुझे इस सब काम में सफलता देना। और मजे की बात, देखोगे उस दिन तुम जहां जाओगे सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद जो दिन का समय है वो सकाम कर्म का समय है। अब तुम इस संसार में आए हो, मेहनत कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी की नौकरी कर रहे हो या खुद जो भी कर रहे हो, वो सकाम कर्म जो है, क्योंकि अपना पोषण करना है, परिवार का पोषण करना है, दान पुण्य करना है,
तो उस सब के लिए अर्थ की, धन की आवश्यकता होती है। धन के साथ विरोध नहीं करना, उसको घृणा से नहीं देखना, वो भी माँ लक्ष्मी का एक रूप है। एक महासरस्वती है जो ज्ञान है, महालक्ष्मी जो संपन्नता है, और महाकाली जो शक्ति है। इसलिए सकाम कर्म करना, लेकिन किसी को दुख देकर के धन नहीं कमाना, ये देख लेना है। धन कमाना ठीक है, लेकिन किसी की भाम रोड़ के धन कमाओ, किसी को रो रुला के धन लेके आओ, ऐसा धन मत लाना है। उसके पश्चात जब धन कमा लिया, अब ये सब किया किस लिए? क्योंकि परिवार सुखी हो। तो रात्रि का जो समय है शिव योग में, वो कहा गया है शांति कर्म का समय। एक समय निर्धारित करो जब सारा परिवार एक साथ बैठ करके भजन गाए और एक साथ बैठ करके भोजन करे। दिन में भले ही तुम कितने बिजी हो, कहीं कहीं जा रहे हो, लेकिन एक नियम बना लो कि मैं कितना भी बिजी हूं, लेकिन ये समय जो है ये मैं बिजी इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने फैमिली को देखभाल कर सकता हूं। तो ये रात का समय मैंने भोजन करना है, तो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, मैं कहीं भी हूं उस समय मुझे इकट्ठे बैठ के, ये एक अभ्यास डालो, अपनी संस्कृति डालो कि सभी लोग, वो एक रिवाज यहाँ पे क्या होता है कि अम्मा जी घर रसोई में चपाती धनाधन बना रही है, एक जना बैठा है इस कमरे में टीवी देख रहा है, दूसरा उधर, अगर रामू शामू है तो एक रोटी इधर दिया जा रहा है, एक उधर दिया जा रहा है, ये गलत है। अन्नपूर्णेश्वरी का सम्मान होना चाहिए। जो अन्न है वो भगवती का एक रूप है, जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णेश्वरी। उस समय सभी लोग इकट्ठे बैठो, अम्मा भी जो है उससे बोलो भाई तू रोटियां बना ले सारी, क्योंकि गरम गरम क्या, ऐसा कोई ज्यादा टेस्ट वाली बात नहीं है, इतने जितना तूने बना लिया काफी है, सबके लिए इकट्ठा बना ले पहले, और फिर सब कुछ सामने रखो। घर की स्त्री रसोई में रह जाए और तुम इधर रह जाओ, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। सब वहां बैठो, बैठने के बाद सभी प्रार्थना करो, भगवान को धन्यवाद। ये मैं बता रहा हूं कि संपन्नता कैसे आए, घर के अंदर बरकत कैसे आए, क्योंकि कई बारी देखा होगा तुमने बहुत कमाते हो लेकिन उतना चला भी जाता है, तो उसको ठहरना कैसे है। उस समय यदि लक्ष्मी मंत्र चल रहा हो, धीरे धीरे ये मंत्र चल रहा हो, और उस समय जो है आप सभी वहां बैठो और ध्यान करो इकट्ठे बैठ करके भगवान का, कि हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये भोजन दिया, हमारे भंडार हमेशा भरे रखना, ये करना जरूरी है। और उस समय आपने ये करने के बाद फिर सभी लोग इकट्ठे बैठ करके भोजन करो, एक संस्कृति लेकर के आओ। सुबह का समय देव कर्म का, दिन का समय सकाम कर्म का, और रात्रि का समय शांति कर्म का। परिवार के साथ बैठ करके भजन करो, संकीर्तन करो, क्योंकि ऐसी संस्कृति हो गई है कि जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं तो झगड़ा करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं तो आलोचना करते हैं, एक आधा सामान तोड़ देते हैं गुस्से में आकर, पर कभी इकट्ठे बैठ करके एक दूसरे को सराहा नहीं हमने, तो वो नेगेटिव आते छोड़ करके अब हमारे को इकट्ठे बैठ के टुगेदरनेस, हैप्पीनेस। हमारा सनातन क्यों टूटता जा रहा है, हमारा सनातन जो है क्यों बिखरता जा रहा है? इतना उत्तम सर्वोत्तम ज्ञान, क्योंकि वो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो किसी ने सिखाए नहीं। हमने कभी इकट्ठे बैठ करके सामूहिक रूप से पूजा भी नहीं करी, भगवान का नाम भी नहीं लिया, बिखरे बिखरे जाते मंदिर में, भागे भागे जाते, लाइन में लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
इसलिए नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अगर ऐसा स्थान हो जहां सभी लोग आए, एक समय निर्धारित हो और उस समय सभी ओम नमः शिवाय का नाम ले, उस परमेश्वर का नाम ले, तो देखो कि कितनी शक्ति आती है। अभी तो सिर्फ मात्र कुछ लाख लोगों ने पूरी दुनिया में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो जो 21 दिसंबर 2012 का जो भय था और भविष्यवाणियां थी, अब वो भी सही होंगी। अगर वो सही है तो फिर हम लोगों की साधना भी सही होगी कि कुछ हुआ नहीं, सब शांत। तो जब कुछ कुछ सौ लोगों ने बैठ करके ये किया तो कितनी बड़ी शक्ति है। अगर आप यहां पर वो एक स्थान बना लो, रविवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन, सारे लोग इकट्ठे बैठ करके आप गुरु स्त्रोत्र का पाठ करो, देवी महात्मा का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और सामूहिक भोजन करो। सामूहिक भोजन जो है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, अन्नदान में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए पारिवारिक परंपराएं, परिवार क्यों दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने मार्ग को भूले बैठे हैं, अपने अस्तित्व को भूले बैठे हैं, अपनी संस्कृति को भूले बैठे हैं। तो इसलिए रात्रि का समय कहीं भी हो, चिड़िया तक घर लौटती है, गाय तक घर लौटती है, हे मनुष्य तू इतना पथ भ्रष्ट क्यों हो गया कि तू घर में लौटना ही भूल गया। तब कहते हो मैं बड़ा बिजी हूं। बिजी है तो क्या है, जब पूरी सृष्टि घर लौट आती है तो तू निशाचर बना क्यों घूमता है, तू भी घर लौट। नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। तो वो नादा परिंदे, परिंदा भी घर आता है। तो रात्रि का समय याद रखो, जो मेहनत करी है अब परिवार को सुख देना, इसी से तुम्हारे कर्म कटते हैं, इसी से आध्यात्मिक उन्नति होती है। परिवार में सब लोग एक दूसरे को अनकंडीशनल लव, और यहां जहां परिवार में प्रेम देखा गया है वहां उन्नति देखी गई है। समझ आ गया, बोलो हां कि नहीं, बिल्कुल मानते हो मेरी बात को। ये बेसिक चीजें हैं और ये बताना भूल गए और आगे की बात हमने शुरू कर दी, लेकिन हम शुरुआत यहां से करेंगे। अब हम साधना प्रारंभ करते हैं, तो सीधे बैठ जाए। परम पूज्य अद्भुत शिवानंद जी के पावन सानिध्य में इस साधना के दौरान गहरे ध्यान की अवस्था में साधकों को दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, जिन्हें टीवी पर प्रसारित करना संभव नहीं है। उंगलियां हिलाएं, हथेली रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें और धीरे से आंख खोल दें। ब्लेस यू। हो गया ना, दोबारा ध्यान हो गया, एक बार फिर से कहो तो फिर हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, सीधा गहरे ध्यान में चले जाओगे।